ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahi.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। छपरा के सोनपुर में कोरोना महामारी के भयावह काल में जीविका दीदी अपने कर्तव्यों को बखूबी से पालन करने में पीछे नहीं हट रही हैं। सोनपुर प्रखंड के गोपालपुर, सबलपुर, भरपूरा, परमानंदपुर, शाहपुर के साथ विभिन्न स्थानों पर मास्क निर्माण कर उसे निर्धारित दर पर उपलब्ध करवाने के लिए वे कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जीविका से जुड़कर महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करने में राज्य सरकार जीविका दीदी को मास्क निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक जीविका दीदी द्वारा बनाई गई मास्क का प्रति परिवार 6 मास्क निःशुल्क वितरण किया जाए, जिससे बढ़ते कोरोना महामारी पर अंकुश लग सके। सोनपुर BPM मुकेश कुमार ने बताया कि 100 से भी ज्यादा जीविका दीदी अपने घरों में रहकर मास्क का निर्माण कर रही हैं। इस महामारी में जीविका दीदी द्वारा बनाए गए मास्क को विद्यालय, प्रखंड एवं अन्य स्तरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। BPM मुकेश कुमार ने ये भी बताया कि सोनपुर प्रखंड कार्यालय से 3,43,180 मास्क का ऑर्डर मिला है, जिसमें अब तक 32,800 मास्क कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। बहुत जल्द ही दिए गए मास्क ऑर्डर को कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन में थोड़ी परेशानी हो रही है। जीविका दीदी को कपड़ा, धागा और रबर उपलब्ध करा दिया जाता है तथा जीविका दीदी द्वारा मास्क का निर्माण कर केंद्र पर पहुंचा देती है। फिर उस मास्क को सैनिटाइज करके ऑर्डर के अनुसार उसे संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मास्क के निर्माण में जीविका दीदी को ₹3 प्रति मास्क मेहनताना के रूप में दे दिया जाता है। सोनपुर BDO सुदर्शन कुमार व पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जीविका द्वारा किया जा रहा कार्य काफी सराहनीय है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जीविका महिला संघ के अंतर्गत यहाँ मास्क बनाने के लिए सभी महिलाओं को कपड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें धागा, रबर और साथ में सैनिटाइजर का भी खास ध्यान दिया जा रहा है। साफ सफाई का भी ध्यान जा रहा है कि कोई भी संक्रमित नहीं हो पाए उससे। कि ये लोग जो सरकार के द्वारा मास्क का जो मिला है, इन लोग स्वरोजगार से जुड़ सके, इनको घर बैठे ही कुछ इस लॉकडाउन के पीरियड में उनको कुछ घर बैठे रोजगार जो मिलेगा उससे अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके, काम हो कि जो सरकार इनको दे सके, जो घर बैठे ही लोग कर सके। जैसे अभी फिर घर में सिलाई, वो जैसे पैंट अचार बनाना हो गया, पैंट शर्ट का कपड़ा सिलना, ड्रेस स्कूल का हो गया, फिर घर पे अचार बनाना और चूड़ी वगैरह, हाथ का काम जो इन लोग खुद से जानती है वो सब सिखाना, एक तरह से प्रशिक्षण दे के और उसके काम बढ़ाना, उसकी आर्थिक स्थिति सुधार हो जाएगी और वो लोग घर बैठ के स्वरोजगार कर पाएंगे। संगीता कुमारी, सोनवैक्स, सोनपुर, सारण।